देखिए लगातार दो दिनों से मधुबनी में जो है वो मिथिला महोत्सव चल रहा है। यह जो तमाम मिथिलावासी जो हैं वो खूब आह्लादित होते हैं, उत्साहित होते हैं और इस महोत्सव में जाते हैं और खूब अपने आप को इंटरटेन करते हैं। कल इस महोत्सव का आगाज़ हुआ है चित्रों के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से। हम आप सभी को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से मधुबनी के जो DM हैं, SP हैं और वहाँ के जो सदर SDO हैं, उन्होंने पोस्टर के साथ गुब्बारे को जो है वो आसमान में छोड़ करके इस कार्यक्रम का आगाज़ किया था। वहीं कैरिकुलम की अगर बात करें तो इस महोत्सव में जो हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रण दिया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जल संसाधन सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा और उसके बाद शीला मंडल, इसके अतिरिक्त जो उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ उनका भी आना हुआ है और इसके अतिरिक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसद और विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया था। लोग भी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। और वहीं कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक जो है वो जिला अधिकारी के द्वारा स्टॉल का निरीक्षण किया गया था। वहाँ एग्जीबिशन लगाया गया है और एग्जीबिशन में जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं वो चाहे मधुबनी पेंटिंग का हो और इसके अतिरिक्त मिथिला से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनका निरीक्षण किया गया है DM के द्वारा। 11:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक स्कूली बच्चों का जो है वो लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहा और 6 बजे शाम 7 बजे तक इस कार्यक्रम का लोकार्पण जो है वो DM साहब के द्वारा किया गया और मंच पर उपस्थित SP SV भी थे, सदर SDO भी थे और तमाम प्रशासनिक लोग थे। आप विजुअल के माध्यम से देख भी रहे होंगे और केक भी खाया गया है, केक भी काटा गया है और एक दूसरे को लोग केक भी खिलाए हैं। इसके अतिरिक्त 7:00 बजे से लेकर के 10:00 बजे तक जो है वो कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मिथिला ही नहीं देश के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को आमंत्रण गया था और उन सभी ने अपना प्रस्तुति वहाँ प्रकट किया है, जिसमें पूजा चटर्जी, शशिकांत पौडवाल, नीतू नवगीत, निशिता झा, कुंज बिहारी मिश्र संघ कई बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है। वहीं अगर आज कार्यक्रम के दूसरे दिन की बात करें तो आज जो है वो कार्यक्रम का दूसरा दिन है और समापन का भी दिन है और आज जो है 11:00 बजे से 2:00 PM तक जो है वो मैच पर मिथिला की संस्कृति पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और 6:00 बजे से 10:00 बजे तक मैथिली ठाकुर, जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है, और शुभेंगु शिखर, रत्न प्रिया, अभिषेक मिश्रा और अन्य कलाकारों की रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया है। लोग भी आह्लादित हैं, लोग तमाम चीज़ों को देख करके बहुत ही खुश हैं चित्रों विजुअल के माध्यम से हमने तमाम चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। मिथिला महोत्सव मिथिला में अभी चल रहा है।